मैं विशाल गुप्ता आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सी माइक्रोस्कोप स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, क्योंकि 10th क्लास तक साइंस एक जनरल सब्जेक्ट है, एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, और स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप 9th क्लास में प्रैक्टिकल के सिलेबस का पार्ट है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, हमारे पास माइक्रोस्कोप्स में भी काफ़ी एडवांस माइक्रोस्कोप्स आ गई। आज हमारे पास एक वाइड वैरायटी है माइक्रोस्कोप्स की, लेकिन अगर हम 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए देखें तो तीन माइक्रोस्कोप्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। उनमें एक है हमारी बाइनाकुलर माइक्रोस्कोप, दूसरी है हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसे स्टूडेंट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, और ये तीसरी है हमारी प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाइनाकुलर माइक्रोस्कोप और प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप हमारी ट्रेडिशनल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से किस तरह से डिफरेंट हैं, इन दोनों में कौन से एडवांस फीचर्स हैं, और इन तीनों माइक्रोस्कोप्स में मुझे कौन सी माइक्रोस्कोप बेस्ट लगती है। सबसे पहले मैं कंपेयर करूंगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप को प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप के साथ। तो मैं बाइनाकुलर माइक्रोस्कोप को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देता हूं। हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्टेज तक लाइट पहुंचाने के लिए सनलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। रिफ्लेक्टर की हेल्प से लाइट को रिफ्लेक्ट करके स्टेज तक पहुंचाया जाता है। लेकिन हमारी प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही मैं इस प्लग को सॉकेट के बीच में लगाऊंगा, जहां पर ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा तो हमारी स्टेज पर लाइट आ जाएगी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप में स्टेज सेम होती है, ऑब्जेक्टिव भी सेम होते हैं, 10x और 45x का ऑब्जेक्टिव दोनों में दिया रहता है। फोकस करने में भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप और प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप बिल्कुल सेम होती हैं, लेकिन प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप में स्क्रीन दी रहती है, जिसकी वजह से जब हम स्लाइड को फोकस करते हैं तो उसका व्यू हमें स्क्रीन में दिखाई देता है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें एक आंख बंद करके व्यू को देखना पड़ता है। तो हमारी प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दो बातों में एडवांस है। पहला, ये इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ वर्क करती है, इसलिए हम रूम में कहीं भी लगा सकते हैं जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो। दूसरा, इस माइक्रोस्कोप में हम पूरी क्लास को एक साथ स्लाइड दिखा सकते हैं, जबकि इसमें एक ही स्टूडेंट एक टाइप में स्लाइड देख सकता है। अब मैं कंपेयर करूंगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बाइनाकुलर माइक्रोस्कोप के साथ। तो मैं प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप को साइड पर रख देता हूं और बाइनाकुलर माइक्रोस्कोप ऊपर रख लेता हूं। बाइनाकुलर माइक्रोस्कोप में भी स्टेज तक लाइट पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही मैं इस प्लग को सॉकेट के बीच में लगाऊंगा, इस माइक्रोस्कोप में ये ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है। इस माइक्रोस्कोप में लाइट जो यहाँ तक पहुँचेगी उसे कंट्रोल करने के लिए एक नॉब दी गई है। इस नॉब की हेल्प से मैं लाइट की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। बाइनाकुलर माइक्रोस्कोप की स्टेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप की स्टेज से ज़्यादा एडवांस है। इस स्टेज पर मैं स्लाइड फिक्स करने के बाद स्लाइड को आगे पीछे और लेफ्ट राइट मूव कर सकता हूँ इन दो नॉब्स की हेल्प से। ये दो नॉब्स दी गई हैं, इनकी हेल्प से स्लाइड फिक्स करने के बाद भी हम स्लाइड को मूव कर सकते हैं। बाइनाकुलर माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा होते हैं। बाइनाकुलर माइक्रोस्कोप में हमें चार ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, 5x, 10x, 45x और 100x, जबकि मैक्सिमम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें दो ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, 10x और 45x का। बाइनाकुलर माइक्रोस्कोप का आईपीस भी वाइल्ड फील्ड आईपीस होता है, इसका मतलब इसमें जो हमारा व्यू होगा वो हमें थोड़ा सा बड़ा दिखेगा एज कम्पेयर टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बाइनाकुलर माइक्रोस्कोप में जो हमारे आईपीसीज हैं ये दो होते हैं, इसलिए हमें एक आंख बंद करने की ज़रूरत नहीं होती। साथ में इन आईपीसीज को मैं 360 डिग्री मूव कर सकता हूँ। यहाँ पर ये एक पेज दिया है, मैं इस पेज को थोड़ा सा लूज करके इसे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ, और जहाँ पर इसे फिक्स करना चाहूँ इस पेज को फिर से मूव करके वही पोजिशन पर फिक्स कर सकता हूँ। तो हमारी बाइनाकुलर माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पांच बातों में एडवांस है। पहला, इलेक्ट्रिक सप्लाई से काम करती है, और जो हमारी लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा किया जा सकता है। दूसरा, इसकी स्टेज एडवांस है,
स्लाइड फिक्स करने के बाद भी हम स्लाइड को लेफ्ट राइट और आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तीसरा, इसमें ऑब्जेक्टिव चार दिए रहते हैं, 5x और 100x का ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा दिया रहता है एज कम्पेयर टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फोर्थ एडवांटेज है आईपीस। इसमें जो आईपीएस दिया रहता है वो वाइल्ड फील्ड आईपीएस है, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में बड़ा फील्ड ऑफ व्यू होता है। और जो फिफ्थ एडवांटेज है वो है कि हम आईपीएस को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब मैं कंपेयर करूँगा बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप को प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप के साथ। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को मैं साइड पर रख लेता हूं और प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप को यहां पर रख लेते हैं। हमारी प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप से एक ही बात में एडवांस है, और वो ये कि इस माइक्रोस्कोप में एक स्टूडेंट ही एट ए टाइम स्लाइड को देख सकता है, जबकि प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप में एक बार स्लाइड को फिक्स करने के बाद एक ही साथ हम पूरी क्लास को दिखा सकते हैं। हमारी बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप हमारी प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप से दो बातों में एडवांस है। पहला, बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप की स्टेज एडवांस होती है, स्लाइड को फिक्स करने के बाद भी मैं स्लाइड को आगे पीछे और लेफ्ट राइट मूव कर सकता हूँ। इसका एडवांटेज ये है कि एक बार जब मैंने स्लाइड फोकस कर ली तो स्लाइड को लेफ्ट राइट और आगे पीछे मूव करके मैं ब्रॉडर एरिया में स्लाइड का व्यू देख सकता हूँ। और जो दूसरा एडवांटेज है बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप में, इसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा दिए रहते हैं, जबकि प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप में हमें दो ही ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, 10x और 45x का। और अब सबसे बड़ा सवाल, मुझे इन तीनों में से कौन सी माइक्रोस्कोप बेस्ट लगती है? तो वो है बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसमें जब हम एक बार स्लाइड को फिक्स कर लेते हैं उसके बाद स्लाइड को लेफ्ट राइट और आगे पीछे मूव करने का जो एडवांटेज है वो बहुत बड़ा है। हम स्लाइड को फिक्स करके एक ब्रॉडर एरिया में अपनी स्लाइड को देख सकते हैं, ये एडवांटेज बहुत बड़ा है। इसी एक एडवांटेज की वजह से मुझे बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप इन तीनों माइक्रोस्कोप में सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इन तीनों माइक्रोस्कोप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप कम प्राइस की है, प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप का प्राइस उससे ज़्यादा है, और बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप का प्राइस इन तीनों में सबसे ज़्यादा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से 10 सेकंड में हम अपनी स्लाइड को माइक्रोस्कोप में फोकस करके उस बढ़िया व्यू को देख सकें। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा कोई प्रोसीजर है तो वो प्रोसीजर इतना हिडन क्यों है? इस बात का आंसर भी मैं आप सभी को इसी वीडियो में दूंगा। मैं 100 से ज़्यादा कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स को फोकस कर चुका हूँ और 1000 से ज़्यादा स्लाइड्स माइक्रोस्कोप में एडजस्ट करके देख चुका हूँ। मेरा काम ऐसा है कि मेरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कांटेक्ट रहता है, इसलिए मैं बहुत से स्टूडेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोगों को माइक्रोस्कोप फोकस करते हुए देख चुका हूँ और बहुत से स्टूडेंट्स को माइक्रोस्कोप फोकस करना सिखा भी चुका हूँ। इसी तरह की एक मीटिंग में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछ लिया कि सर, आप इतनी जल्दी माइक्रोस्कोप कैसे फोकस कर लेते हो? बस हाथ लगाया और माइक्रोस्कोप फोकस। तो स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि मैं बहुत सी माइक्रोस्कोप फोकस कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस काम को बहुत जल्दी कर पाता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब मैंने माइक्रोस्कोप फोकस की तो वो सवाल मेरे माइंड में था, और जैसे ही मैं माइक्रोस्कोप फोकस कर रहा था तो मैंने एनालाइज किया कि मैंने कुछ स्टेप एक पर्टिकुलर सीरियल ऑर्डर में फॉलो किए। जब नेक्स्ट टाइम मैंने फिर से माइक्रोस्कोप फोकस की तो मैंने फिर से एनालाइज किया कि मैं वही सेम स्टेप सेम सीरियल ऑर्डर में फॉलो कर रहा था, और हर बार मैंने एनालाइज किया कि मैं सेम स्टेप सेम सीरियल ऑर्डर में फॉलो कर रहा हूँ। तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई भी स्टूडेंट अगर उन सेम स्टेप्स को सेम सीरियल ऑर्डर में फॉलो करे तो वो भी पहली बार में ही 10 सेकंड में माइक्रोस्कोप एडजस्ट कर सकता है और अपनी स्लाइड को बढ़िया ढंग से देख सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोसीजर इतना सीक्रेट क्यों है। मैंने कहीं से भी माइक्रोस्कोप को फोकस करना नहीं सीखा, ना कहीं पे पढ़ा, मुझे ये काम प्रैक्टिस से आ गया। और जब मैं इसी काम को एफिशिएंटली करने लगा तो मैंने उन स्टेप्स को नोट कर लिया जिन स्टेप से मैं इस काम को एफिशिएंटली कर रहा था।